चलिए बात करते हैं हाथरस की। हाथरस हादसे पर न्यायिक आयोग की मीटिंग है, अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में मीटिंग हो रही है। मीटिंग के बाद निकले हैं न्यायिक आयोग के सदस्य। हाथरस में भगदड़ से हुई थी 123 लोगों की मौत, और इस मामले में आपको बताएं कि अब न्यायिक आयोग की बैठक हुई है और बैठक के बाद सदस्य निकले हैं पुलिस लाइन में। ये बैठक हो रही थी, मीटिंग के बाद निकले हैं न्यायिक आयोग के सदस्य। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस में भगदड़ से हुई थी 123 लोगों की मौत, जिसके लिए एक न्यायिक आयोग की का गठन किया गया और इसमें तमाम जो अधिकारी थे वो पुलिस लाइन में आज पहुंचे और पुलिस लाइन में बैठक की है, और बैठक के बाद अब ये सदस्य निकल चुके हैं। आपको बताएं आरोपी से भी यही पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी को आज हाथरस लेकर गई है पुलिस टीम और वहीं पर न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंची है, और बताया जा रहा है बैठक हुई है और बैठक के बाद अब सदस्य निकले हैं क्योंकि लगातार जांच की जा रही है इस पूरे हादसे की। हाथरस हादसे की जांच हो रही है, न्यायिक जांच लगातार जारी है, जिसके लिए आज पुलिस लाइन में बैठक भी हुई है। राजू राज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, क्या अपडेट? राजूराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अपना सवाल दोहराएं। राजूराज, क्या अपडेट? बताया जा रहा है न्यायिक आयोग की टीम पहुंची थी, बैठक हुई थी और अब सदस्य निकल चुके हैं। बिल्कुल, बता दूं कि न्यायिक आयोग की टीम लगभग 2 से 2.5 घंटे तक पुलिस लाइन में आई थी। तमाम जो अधिकारी थे उनसे मीटिंग करने के बाद अभी न्यायिक आयोग की टीम निकली है, और जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई कि 3 बजे के करीब पूरे मामले में हाथरस पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें कैसे गिरफ्तारी हुई देव प्रकाश मधुकर को और अब तक जांच में क्या क्या बातें सामने आई है, ये तमाम चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा। और कल न्यायिक आयोग की टीम तमाम परिवारों से मुलाकात करेगी, और आज जब मीटिंग खत्म हुई इसके बाद हो सकता है शाम तक न्यायिक आयोग की टीम घटनास्थल पर भी जाकर उस जगह का भी मुआयना करेगी। बहुत शुक्रिया राजू राज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो घटनास्थल का भी मुआयना करेगी पूरी टीम, अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक भी की है, और बताया जा रहा है जो घटनास्थल है वहां पर भी जाकर तमाम चीजों का मुआयना करके जांच रिपोर्ट तैयार होगी। तो हाथरस हादसे की अब न्यायिक जांच भी लगातार चल रही है, जिसके लिए अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक की गई है, और बैठक के बाद अब सदस्य निकल चुके हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, घटनास्थल का भी दौरा